हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग गाइस? आज मैं जो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी एक टूल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग देख भी चुके होंगे। अब तक तो मैंने आप लोगों को रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट बताया था। अब उसको हम आगे एडवांस स्टडी के और इसको एडवांस के तौर पर हम देखते हैं कि इसको एडवांस के तरीके से हम सपोज कीजिए कि कोई भी प्राइस, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि रिट्रेसमेंट अगर हम लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट हाई है, हमारा स्विंग हाई है और ये हमारा ये स्विंग लो है, तो हम इस स्विंग हाई को स्विंग लो पर अगर हम रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं, तो ये जो डेस्टिनेशन आप लोग देख रहे हो, ये कम से कम 127% या 261.8% होना चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है कि 127% मिनिमम एक्सटेंशन का और मैक्सिमम 261.8%। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्ट है एक्सटेंशन में कि मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें रिट्रेसमेंट डालता हूं, आप देखो, आप देखना इस पर रिट्रेसमेंट अगर हम डाल रहे, कोई भी प्राइस कब ले सकते हो, मैं अपने करंट मूव को मेजर कर रहा हूं, तो क्या देख रहे हो कि ये जो प्राइस है, मतलब जो प्राइस डेली के टाइम फ्रेम पर, ये जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, ये 127% गया, बट स्टिल वहां पे कोई भी बेरिश पैटर्न नहीं बना, कोई भी बेरिश प्राइस सेक्शन का पैटर्न नहीं बना, इसलिए वो इंडिकेट कर रहा है कि अगला टारगेट क्या बन सकता है, 161.8% बन सकता है। ठीक है, तो बन क्या सकता है, कंफर्म हो जाता है कि वो उतना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो प्राइस 161.8% को ब्रेक कर दी और ब्रेक करने के बाद उसको उसके ऊपर पर ट्रेड कर रही है, उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, मतलब ये सपोर्ट को तोड़ा नहीं और प्राइस कंटिन्यू मूव कर रहा है, मतलब एक्सटेंशन के मूव पर 127% मिनिमम और मैक्सिमम 261.8% होता है रिट्रेसमेंट पर। लेकिन इसको हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि इतना ही टारगेट आएगा? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टूल को हम आइडेंटिफाई लगाते हैं और उसको प्राइस क्लस्टर की तरह मिलाते हैं और उसे हम श्योर हो जाएंगे कि ये टारगेट हमारा यहाँ तक आएगा और अभी कितना पेंडिंग है डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले टाइम टू टाइम, और आप सीखने की कोशिश करो। देखो यार, सीखना बहुत जरूरी है, मार्केट पर मतलब सोशल मीडिया पर बहुत सारे स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट भरे पड़े हैं और बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी अपडेट करते हैं, अपडेट करना भी चाहिए, जो प्रॉफिट आ रहा है तो दिखाने में कोई बुराई नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम चाहते हैं कि आप सीखो, आप सीखोगे तो डिपेंड बनोगे, क्योंकि ये मेरा मानना है कि लाइफ में एक मेंटर चुनना चाहिए, ना कि डिपेंडेंसी चुनना चाहिए, मतलब अगर आप किसी पर डिपेंड ना हो, आप खुद ही अपने चीजों को, अपने ट्रेडिंग को खुद अपने हाथों से हैंडल करो, अपने कॉन्सेप्ट से हैंडल करो, अपने माइंडसेट से ट्रेडिंग से, अपने माइंडसेट से उसको ट्रेड करो। ठीक है, यही हमारा मेन मोटो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा कोर्स है, आप उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर सीखना चाहो तो, मतलब इलीट वेब कोर्स में, इलीट वेब कोर्स करना चाहो तो वो भी सीख सकते हो, फिबोनाची और एक्सटेंशन का टूल, प्राइस क्लस्टर स्टडी करना सीखना चाहते हो, प्राइस क्लस्टर अगर आप सीखना चाहते हो तो आप भी उसके लिए इनरोल कर सकते हो। पूरा सीखने के लिए हमारे इलीट वेब, तो इलीट वेब में ही हम सब कुछ सिखाते हैं, ये सब कुछ इलीट वेब का ही पार्ट है, तो इलीट वेब में ही हम सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये सारा पार्ट है इलीट वेब का, इसीलिए हमने उसको सीरीज वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसको सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आती तो हमसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट, और हाँ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे, उसको कमेंट का रिप्लाई भी हम देंगे आपको हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो रहा हमारा रिट्रेसमेंट का टूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको हटा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा डिलीट भी कर रहा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ कि रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन जो हम पढ़ा रहे थे शुरू से, जब बताया था मैंने आपको, तो कोई प्राइस अप साइड जाती है तो ये आपको कॉन्सेप्ट, आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने बताया था कि रिट्रेसमेंट यूज करने के लिए ए बी का यूज करते हैं और हम सी को प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है ना, मतलब हम सी को हमेशा प्रोजेक्ट करेंगे अपसाइड के लिए, जैसे हमने यहाँ पर ए पे क्लिक किया और बी पे लगाएंगे तो सी को हम प्रोजेक्ट करेंगे अपसाइड के लिए, प्राइस अपसाइड जाती है देन। ठीक है, लेकिन अगर डाउन साइड प्राइस आती है, सपोज कीजिए प्राइस जो है डाउन साइड की तरफ आ रही है, देन हम कैसे लगाएंगे, वैसे ही जैसे हमने आपको बताया, रिट्रेसमेंट हमने ऐसे लगाएंगे,
ठीक है, रिट्रेसमेंट हमें लगाएंगे, लेकिन अगर हम इसको प्रोजेक्ट करना चाहें कि क्या मतलब रिट्रेसमेंट से इतना हमें श्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो प्राइस क्लस्टर का हम यूज कर सकते हैं। तो प्राइस क्लस्टर रिट्रेसमेंट से नहीं होता, प्राइस क्लस्टर जो है एक टूल और यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एक्सपेंशन। आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, तो इसको एक्सपेंशन बोला जाता है बेसिकली। और इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, इसमें 3, मैं इसको क्लिक किया और आप इसको देखो तो मैं इसको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये 0 मेरा पॉइंट है और मेरा ये 1 पॉइंट है और ये मेरा ये बी पॉइंट है। इसको मैं वो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, 0% ये हो गया। ठीक है, देखिए इसको कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप समझिए, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। और इसको इसलिए यूज किया जाता है कि जो हमारा फ्यूचर का जो डेस्टिनेशन है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस एक्सपेंशन में मैं आपको बुद्धि फिर से लगा के दिखा रहा हूँ, इस एक्सपेंशन में 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लेवल होता है रिट्रेसमेंट का 161.8%, ठीक है, 61.8% ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है 100%, मतलब कोई भी प्राइस जब इक्वल होती है अपने अपने मूव का, मतलब इसका इसका प्राइमरी मूव था, मैं आपको दिखाऊंगा अपने प्राइमरी मूव का 100%। एक्सपेंशन में 61.8% इंपॉर्टेंट होता है और हाँ इसमें 100% और देन मैक्सिमम 161.8%। ठीक है, ये होता है जब कोई प्राइस कंटिन्यू मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव करते हुए चले जा रही है, एक्सटेंशन में मूव करते चले जा रही है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको दिखा के लगा के भी दिखाता हूँ कि कैसे इस पे लगता है। तो मैं इसको सबको डिलीट कर रहा हूँ, आप इसको समझिए कि कैसे इसको लगाया जाता है। देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ, अप साइड के लिए दिखाता हूँ, डाउन साइड के लिए भी एग्जैक्टली ऐसा ही लगेगा। तो सपोज कीजिए जैसे प्राइस कंटिन्यू मूव करता जा रहा है तो हम एक्सपेंशन लगा के दिखाते हैं। एक्सपेंशन लगाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमें पता करना है कि ये जो सी जो बन रहा है, जो सी बना हुआ है वो कितना तक लीड कर सकता है प्राइस क्लस्टर पर। तो मैं इसको यहाँ से लगाया, अब देखो, और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको 0 पॉइंट बोलते हैं, 0 को क्लिक किया और मैंने ए पर रखा और देन बी की तरफ ड्रैग किया, तो हमारा ये प्रोजेक्शन हो रहा है, ये हमारा प्रोजेक्शन हो रहा है। और ये दोनों लगाना जरूरी होता है। अगर हम ये तो हमारा एक्सपेंशन का टूल लग गया, ये हमारा एक्सपेंशन का टूल लग गया और हम इसी के साथ रिट्रेसमेंट का टूल भी टूल लगा देते हैं, तो दोनों रिट्रेसमेंट का टूल भी लग गया। तो ये जहां जहां 2 दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां 2 मैच कर, जैसे यहाँ 2 मैच कर गए, यहाँ 2 मैच कर गए और यहाँ 2 ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, तो जहां जहां ये एक्सपेंशन टूल रिट्रेसमेंट टूल मैच कर रहे हैं उसी को प्राइस क्लस्टर बोला जाता है, उसी को प्राइस क्लस्टर बोला जाता है। और रिट्रेसमेंट में तो मैंने आपको बताया था कि 23.6% इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशन के लिए, बाकी सारे रेशियो इंपॉर्टेंट हैं इन सबों के लिए, प्राइस जब रिवर्स करते हैं उस सब के लिए, बाकी 127%, 161.8%, 261.8% ये सारे रिट्रेसमेंट के लेवल्स, एक्सटेंशन के लेवल्स हैं सर। ठीक है, अब ध्यान दो इसको कि अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि बैंक निफ्टी का चार्ट लिया मैंने और एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप तो ध्यान दीजिए इसको, मैं इस पर ये मेरा स्विंग हाई और ये मेरा स्विंग लो, इसको मैंने रिट्रेसमेंट से लगाया तो ये मेरा रिट्रेसमेंट ये कहाँ तक गया, ये मेरा रिट्रेसमेंट इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये श्योर शॉट बता रहा है कि ये 261.8% जाएगा, 261.8% मतलब, क्योंकि यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई भी रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है रिट्रेसमेंट के टूल पर। ठीक है, अब हम इसके साथ एक टूल लगाते हैं एक्सपेंशन का, तो मैंने इसको क्लिक किया और इस स्विंग का देखो, इस स्विंग का जो इंपॉर्टेंट लो है वो ये है, ये जो इंपॉर्टेंट लो है, ये कहीं भी प्राइस मैच नहीं कर रहे थे एक्सटेंशन किसी भी रेशियो पर, इसलिए इसको लो लिया गया है और इस लो को मैंने क्लिक किया यहाँ पर और इसको खींच कर मैंने इसको स्विंग हाई पर रखा और देन स्विंग लो पर रखा। तो हमारा देखो आप क्या देख रहे हो, ये एक्सपेंशन के टूल पर भी 127% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये एक्सपेंशन के टूल पर भी 127.8% 127% भी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों क्लस्टर मैच हो रहे हैं, इधर आसपास कहीं मैच हो रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि ये प्राइस है वो अभी लीड करेगी, प्राइस जो है भी और लीड करने के चांसेस बढ़ रहे हैं। अभी ये 161.8% 261.8% ये दोनों क्लस्टर बहुत ही स्ट्रांग है और प्राइस यहाँ तक लीड करेगी, प्राइस यहाँ तक जाएगी। तो देखो एक्सटेंशन लगाने का हमें फायदा मिल गया और हमें एक्सटेंशन लगाने का फायदा मिला कि हम दोनों चीजों से श्योर शॉर्ट हो जा रहे हैं, श्योर हो जा रहे हैं कि हमारा प्राइस जो यहाँ तक आएगी, इसीलिए अभी भी हमें शॉर्ट करके नहीं चलना है,
शॉर्ट करके नहीं चलना। हम शॉर्ट कब करेंगे, जब हमारा मेजर ट्रेंड होगा उसके लिए हम आगे आपको ट्रेंड बताएंगे। तो देखो ये एक्सटेंशन टूल, सॉरी एक्सपेंशन टूल इसलिए बताया जा रहा था कि आपके लिए ये जो 100% देख रहे हो ना, ये 100% और 161.8%, ये 100% देखो, ये 100% और ये 61.8%, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सपेंशन टूल में। जरा मैं इसको डिलीट करता हूँ और फिर से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि मैंने लगाया एक्सपेंशन लगाया, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर और यहाँ पर मैंने इसको लगाया, तो जहां 100% देख रहे हो ना, जहां 100% देख रहे हो, ये वाला पॉइंट मतलब ये जो प्राइस है अपने इस प्राइस के इक्वल है। मतलब यहां से जो प्राइस यहां तक गई है, ठीक है, और प्राइस जो यहां से यहां तक गई है, ये दोनों प्राइस वाइज बराबर है, प्राइस वाइज बराबर है, टाइम वाइज नहीं, टाइम तो ये ज्यादा कंज्यूम किया है, ये दोनों प्राइस वाइज बराबर है, ठीक है ना। जब भी प्राइस इंपल्स की तरफ बढ़ती है, इंपल्स की तरफ चलती है, तो प्राइस वाइज चलती है, ठीक ना, प्राइस वाइज चलती है, और करेक्शन में टाइम वाइज चलता है। तो जब भी आप देखो कि ये, अब ये क्या देख रहे हो कि टाइम वाइज हो गया, ठीक है, जैसे वो 61.8% ब्रेक किया, ध्यान रखना एक्सपेंशन टूल अगर आप लगा रहे हो तो एक्सपेंशन टूल में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वो 61.8% और देन 100%, ठीक है, वो इसमें बस दो ही हमें कंसिडर करना होता है और दोनों ही बराबर हो जाते हैं। 61.8% पर पहुंचा मतलब प्राइस आधे से और ज्यादा क्रॉस कर चुकी है, मतलब यहाँ पर प्राइस आधा थी, मतलब इस प्राइस का पूरा आधा था प्राइस यहाँ पर, और इसको ब्रेक किया तो 61.8% हो गया। तो मतलब ये इंडिकेट कर दिया कि ये जो यहाँ से जो ये भाव चला है, ये भाव यहाँ पर आकर बराबर करेगा, ठीक है, यहाँ पर भाव आकर बराबर करेगा। सपोज करो कि ये प्राइस जो एक्सपेंशन टूल है, अगर मान लो ये 200% तक आता है, सपोज करो ये 200% के आसपास आता है, मैं इसको 200% करता हूँ, तो अगर 200% अगर यहाँ पर आता है, तो ये समझ जाना कि ये दोनों, ये जो पार्ट है, ये जो यहाँ से जो प्राइस गई है मल्टीप्लाई टू, मतलब यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस है। मतलब आप पहले ये समझ लो कि प्राइस जो अभी तो फिलहाल 161.8% आ रही है, 161.8% आने के बाद ही विल थिंक कि हाँ अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से कोई पैटर्न बनता है या कोई रिवर्सल बनता है, देन हम शॉर्ट या कुछ और पोजिशन इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, क्लस्टर, ठीक है ना, यहाँ पर मेन चीज क्या देखो आप, क्लस्टर देखो, एक मैंने एक्सपेंशन टूल लगाया और फिर मैं ये टूल लगाया, रिट्रेसमेंट टूल लगाया, ठीक है, और जब देखो कितना बढ़िया ट्रेंड चल रहा है, 161.8% है ना, ये बहुत बढ़िया प्राइस क्लस्टर बन रहा है, और ये प्राइस क्लस्टर आपको मतलब ये श्योर हो जाता है कि प्राइस यहीं तक आएगी, ठीक है, प्राइस क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बहुत सारे प्राइस वहां पर आकर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, फिर भी हमें पता चल रहा है कि प्राइस अभी वहां तक आने के चांसेस हैं और वहां तक आएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्राइस क्लस्टर का दूसरा वीडियो रहा, और इसी तरह हम बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिबोनाची बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको एक पार्ट में नहीं समझा जा सकता, इसके लिए बहुत सारे मतलब क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको मतलब से वीडियोस वॉच करने पड़ेंगे, बहुत सारे आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसको। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी सालों से यूज कर रहा हूँ, तकरीबन 10 सालों से मैं रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन को यूज कर रहा हूँ, और मैं इसी पर इलियट वे पर, ट्रेंड लाइन पर, और इस पर रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन पर ही ट्रेड कर उठाता हूँ। तो आप लोग इसको सीखो और बताओ कि वीडियो कैसा लगा, फिर हम आगे आपको फर्दर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस पर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।